अवैध तरीके से मिट्टी का खनन करने वाले माफिया के खिलाफ प्रशासन एक्शन में है। मिट्टी माफिया पर शिकंजा कसते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया। अवैध मिट्टी खनन माफिया पर शिकंजा कसते हुए झनकैया थाना पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए अल्केमिस्ट रोड पर अवैध खनन में लिप्त 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर झनकैया थाने में सीज करके खड़ा कर दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर सीज किया गया है, जो कि मिट्टी खनन के अवैध कारोबार में लगी हुई थी। मिट्टी खनन माफिया के खिलाफ पुलिस की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पिछले दिनों खटीमा दौरे के मौके पर जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने क्षेत्र में हो रहे अवैध मिट्टी खनन पर लगाम लगाने के लिए स्थानीय पुलिस को निर्देशित किया था। सुबह झनका थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूचना मिली कि कहीं पे खनन चल रहा है, तो उस पे द्वारा हमारे द्वारा ये जो झनका थाना है इसको निर्देशित किया गया कि आप तुरंत क्षेत्र में जाएं और अगर अवैध हैं, बिना परमिशन के चल रहे हैं, तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। इस पर हमारे थाना झनका की टीम मौके पर गई और मौके पर देखा तो इनके पास कोई भी परमिशन नहीं थी, तो उनको सीज कर दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही थी। सर कुछ ये अल्केमिस्ट रोड है, खेतल संडा, यहाँ से पकड़ी गई थी, सीज कर दिया गया है और जो भी आगे अवैध खनन और एमबी एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई होती है वो इसमें की जाएगी। और भी हमारी टीमें अभी क्षेत्र में हैं, अगर जहाँ भी ऐसी सूचना मिल रही है तो उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, और अवैध खनन जहाँ भी चल रहा है, जो भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खनन माफियाओं पर नियंत्रण के लिए अगर सड़क पर कोई वाहन चल रहा है और उससे अगर पूछा जाए कि तुम्हारे पास लीगल रवाना है कि नहीं, तो ये चीज़ें देखने के लिए भी पुलिस को निर्देशित किया गया है। बाकी किस जमीन से, किस जगह से खनन हो रहा है, उसके लिए यहाँ के SDM हैं, तहसीलदार हैं। लोगों में एक प्रवृत्ति यहाँ रही है कि कुछ लोग तो अपनी आवश्यकता से के हिसाब से मिट्टी ले जाते हैं, कुछ लोग व्यवसाय की दृष्टि से जो अवैध करते हैं, उन पर भी हम लोगों की निगाहें हैं और आप देखिएगा इस पर एक कठोर कार्यवाही हम लोग कराएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।